अगली खबर है टोंग से, जहां पर मालपुरा में कांवड़ यात्रा के विवाद के चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने मालपुरा उपखंड में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शहर के हालातों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने आज दिन में कई बार शहर का जायजा लिया। हालांकि शिव कांवड़ यात्रा समिति कांवड़ यात्रा नहीं निकालने की बात पहले ही कह चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि शहर में कांवड़ यात्रा निकालने के लिए प्रशासन ने सहमति दी थी। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को बायपास से निकालने के लिए अनुमति दी थी। इसे लेकर जिला कलेक्टर और SP ने हिंदूवादी संगठन प्रभुजनों शांति समिति की बैठक ली, लेकिन शिव कांवड़ समिति ने इस बदले हुए रूट से कांवड़ यात्रा निकालने से इनकार कर दिया। इन लोगों का कहना है कि वो पुराने रूट से ही कांवड़ यात्रा निकालना चाहते हैं, अगर अनुमति नहीं दी गई तो वो कांवड़ यात्रा ही नहीं निकालेंगे। कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए हमने टोडा रोड पर पर्याप्त मात्रा में जाब्ता उपलब्ध करवाया है। बाईपास रोड तैयार करवाया है जो 2020 में प्रशासन के द्वारा तय किया गया था, और इसके साथ साथ सब लोगों से अपील की है कि सभी लोग कानून का पालन करें और व्यवस्था शांति सद्भाव बनाए रखने में सभी नागरिक सहयोग करें। प्रशासन ने अलग मार्ग में दे दिया जो शिव कांवड़ यात्रा समिति मालपुरा और हिंदू समाज को स्वीकार्य नहीं है। विगत में इसके कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन प्रशासन ने ज्ञापनों पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही उस पर कोई वो किया विचार किया। सीधा उन्होंने मार्ग हमारा